हूँ क्योंकि अभी अच्छे से ढक्कन लगा, अच्छे से मैंने साफ करके वॉश कर लिया है। ऊपर की तरफ तैरने लगे हैं। तो बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या काम हुआ है। देखो कितनी कंफ्यूज है वो। हम लोग यहाँ से आवाज कर रहे हैं और वो ढूंढी जा रही है। वीचेस वंडर लाइफ के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। रोज सुबह का ये रिचुअल बन चुका है कि यूज एंड थ्रो वाले बॉटल्स में ना पानी भर के मैं छत पे रख के आती हूँ, सो दैट टाइम टू टाइम जो ऊपर प्लांट रखे हैं उसमें पानी डलता रहे। मैंने क्लिप तो लगाया था लेकिन इसके बावजूद भी कपड़े नीचे गिरे हैं, तो इसका मतलब आज बंदर छत पे आया था। और देखिए कितना बड़ा नुकसान एक बार फिर से वो इस टमाटर के पेड़ को पहुंचा गया। जो सबसे बड़ा वाला टमाटर था उसको वो ले भागा है, प्लस आसपास जितने भी प्लांट उसको दिखे ना उसने मतलब तहच नहच कर दिया है प्लांट्स का। सबसे ज़्यादा परेशान ना जो एकदम छोटे वाले बंदर होते हैं ना वो लोग करते हैं। बड़े वाले बंदर इतने मतलब शरारती नहीं होते हैं जितना छोटे वाले होते हैं, बहुत नुकसान कर जाते हैं। आधे कपड़े मुझे नेबर के छत से मिला और आधे कपड़े उसने नीचे हमारे छत पे पूरा फैला के रखा था। सो क्योंकि अभी समर टाइम स्टार्ट हो गया है तो कपड़े मैं ना रात को ही वॉश कर देती हूँ, और सुबह एकदम धूप निकलने से पहले ना मैं इसको ऊपर डाल देती हूँ। हवा थोड़ी सी गर्म रहती है ना तो एक दो घंटे में ईजिली ड्राई अप हो जाते हैं। तो देखिए तेज धूप निकलने से पहले कपड़े तो मैंने सब ले लिया। अभी इस प्लांट को मैं एक बार बचाने का फिर से कोशिश कर रही हूँ। जो मिट्टी था उसको फिर से मैंने इसके जड़ों पे लगा दिया, एक स्टिक दे दिया सपोर्ट के लिए। मुझे पता नहीं इसको इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच गया ये ठीक रहेगा कि नहीं, बट स्टिल मैंने फिर से इसको खड़ा कर दिया है। अभी देखते हैं ये टिकता है कि नहीं। समायरा अपने स्कूल जा चुकी है एंड संजू भी अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के ना बाद से ही आज मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा ना लंच की भी मैं यहाँ पर तैयारी करके रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4-5 अंडे ना ले लिए हैं, उसको अच्छे से फेंट रही हूँ। हल्दी नमक मिर्च इसमें डाल दिया है। अभी यहाँ पर एक स्टील का मैंने टिफ़िन लिया है जिसमें मैं ज़्यादातर स्टीम करती हूँ, ये तभी निकलता है। तो ऑयल से ना इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके बाद फेटा हुआ जो अंडा है ना इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ। अच्छे से ढक्कन लगा के इस टिफिन को हम 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। कल शाम को संजू के साथ वॉक करने गई थी तो रास्ते में ना मोरिंगा का एक पेड़ दिख गया, यानी कि सजना बोलते हैं ना वही, तो उसके पत्ते बहुत अच्छे अच्छे मुझे दिख रहे थे। थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया, उसी को मैं भी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए साग तो अच्छे से मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया है। अभी मैं सीधा नहा कर आ गई हूँ किचन में लंच का पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो अंडा तो यहाँ पर स्टीम हो गया, बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ के रखा था, अभी जस्ट चेक कर लेते हैं कि अंदर सब ठीक ठाक है कि नहीं। अंडा के कंपेयर में ना टिफ़िन थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए शेप ना कुछ ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये पूरा अच्छे से शेप में आता। एंड मुझे अभी लग रहा है कि तेल जो ग्रीस किया था ना वो भी थोड़ा सा मैंने कम डाल दिया था, तो इसलिए मुझे चाकू के हेल्प से इसको चारों तरफ से ना थोड़ा सा छुड़ा लेना पड़ रहा है। थोड़ा सा टैप टैप करते ही ना ये आधा टुकड़ों टुकड़ों में ही निकल रहा था। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हुआ करती है हमारे किचन में, हम लोग यूज्ड टू होते हैं ऐसी चीज़ों से। वेल जो भी जैसा निकला है मैं उसी को ना अच्छे से क्यूब शेप में कट कर ले रही हूँ। फर्स्ट लुक में तो ये बिल्कुल भी अंडे की तरह नहीं लग रहा था, लग रहा है छोटे छोटे क्यूब में ना पनीर कट करके रखा था। कभी कभी ये लग रहा है कि सॉफ्ट सॉफ्ट छोटे साइज़ के ना ढोकला बनाया हुआ है।
मोरिंगा वाला पत्तों का ना आज मैं पकोड़ा बनाने वाली हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बोल के आज रेसिपी मैं फुल शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ओवरऑल मैं बता देती हूँ हल्का फुल्का सा कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। मोरिंगा के जो ये पत्ते हैं इसको वॉश करने के बाद इसमें मैंने प्याज कट करके डाला था, इसमें बेसन डाला है, थोड़ा सा सूजी भी डाला है, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा कलौंजी एंड सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा चीनी भी। इसका फुल वीडियो आपको शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगा, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए किचन में ना ज़्यादातर खड़े रहने का मन नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी से दूसरा डिश भी बनाने का मैं यहाँ पर तैयारी कर ले रही हूँ। टाइम सेव करने के लिए ना तेल में जस्ट जीरा का छौंक लगा के मैंने आलू प्याज दोनों एक साथ भून डाले। इसके बाद जो भी ड्राई मसाले हैं ना वो मैंने इसमें डाले, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च पाउडर। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें मैंने दो टमाटर कट करके डाल दिया है एंड टमाटर डालने के बाद आपको तो पता ही है इसमें मैं तुरंत डाल देती हूँ नमक। टमाटर गलने में अभी ज़्यादा देर नहीं लगेगा, मैं फ्लेम थोड़ा सा ना लो कर देती हूँ, बहुत हाई पे था, जलने का डर हो जाता है इस पर। सो लो फ्लेम पर इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। टमाटर जब अपना तेल छोड़ देना तो इसमें ऐड कर दीजिए गरम पानी। आई नो किचन में अभी थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा हो गया है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि इतनी गर्मी है, पंखा चला के मुझे काम करना पड़ रहा है। इसके बाद इस ग्रेवी में ना जो अंडा हमने क्यूब शेप में कट करके रखा था उसको डाल देना है। ढक के थोड़ी देर तक इसको हमें पकाना है एंड थोड़ी देर बाद जब आप उसको चेकआउट करेंगे तो देखेंगे जो अंडा है वो फूल करना ऊपर की तरफ तैरने लगे हैं। फ्लेम ऑफ कर लेंगे क्योंकि हमारा ये वाला जो डिश है वो भी हो गया है रेडी। प्लेट में खाना परोसना मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी संजू समारा दोनों का ना आने का टाइम हो चुका है। नाटी 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 दुष्ट आबार आइसक्रीम डैडू तो भगवान आज के आइसक्रीम दे वो ही ना डालो ना डैडू ना ना कोनो डैडू मारो ना डैडू बोले थे कि आइसक्रीम का ना आइसक्रीम क्या लेना छो आमी बोले ने डैडू नीचे थे के लेना छे आमी मजा ही मजा। चलो चलो चलो। आप किसी की बीवी हैं? मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अरे, आप तो बहुत ही शर्मनाक हैं। कोई बात नहीं। एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट था कि दीदी समायरा का जो स्टडी रूटीन है ना वो हमसे शेयर कीजिए। सो आज मैं आप सभी से समायरा का आफ्टर स्कूल स्टडी जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद ना समायरा के बैग से सारे जो क्लास वर्क्स एंड होमवर्क वाले कॉपीज़ हैं ना वो मैं निकाल लेती हूँ और हम लोग बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या होमवर्क आज करना है। देखिए समायरा तो अभी सोने के लिए जा चुकी है क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। यहाँ पर जो भी कपड़े मैं सुबह उठाकर लाई थी ना उसमें से छाट ले रही हूँ कौन से प्रेस करने के लिए हैं एंड कौन से फोल्ड होके कवर्ड में रखने हैं। सुमायरा ने अपना एक दो घंटे का अच्छा सा नींद ले लिया है, वो उठने ही वाली है एंड उठने के बाद ही ना लगती है छोटी सी भूख, तो उसके लिए ना आज मैं कट करने वाली हूँ वाटरमेलन एंड निकाल लिया है ये बड़ा सा चाकू जिसमें बिल्कुल भी तेज नहीं था। इसको अच्छे से मैंने शार्प किया पहले, तो बड़ा बड़ा आइटम जब भी कट करना होता है ना मेरे घर में ये वाला चाकू तभी निकलता है।
छोटे बच्चों को फ्रूट्स खिलाने के लिए माओ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स। वाटरमेलन को आज मैं आइसक्रीम के शेप में कट कर ले रही हूँ, सो दैट ये देखने में बहुत अच्छा लगे, खाने में तो अच्छा लगेगा ही। वैसे हमारा आइसक्रीम भी लेकर आई है आज बाहर से, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो आइसक्रीम खाए, पहले फ्रूट्स खाया जाएगा फिर दूसरी फरमाइशें पूरी होंगी। वैसे देखा जाए तो बाहर से लाए हुए आइसक्रीम से ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए समायरा को अभी जगाएंगे, सबसे पहले तो उसको फ्रेश फ्रूट खिलाएंगे, फिर उसका स्टडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले तो स्कूल से दिया गया जो भी होमवर्क है समायरा वो कंप्लीट करती है, उसके बाद उसका प्रॉपर जो घर का स्टडी होता है ना वो मैं स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए मैंने उसको कुछ सम दे दिए करने के लिए, या फिर हम लोग बैठ के रीडिंग करते हैं, या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, या फिर ऑलरेडी क्लास वर्क में कराए हुए क्वेश्चन आंसर हम लोग लर्न करते हैं। क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही पार्क है फ्रेंड्स, तो स्टडी करने के बाद ना थोड़ा सा मैं समारोह को फ्री आवर देती हूँ। इसमें वो कभी कभी पार्क में भी खेल लेती है, स्कूटी चलाती है, या फिर अपना साइकिलिंग करती है। ये और एक मेन रीज़न है कि मैं इस क्वार्टर को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। यूँ तो कल भी हम लोग एक क्वार्टर देख कर आए थे, लेकिन वो इस पार्क से काफ़ी दूर है, इस क्वार्टर से काफ़ी दूर है। वैसे भी वो क्वार्टर मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो अभी तक तो क्वार्टर का सर्च हमारा जो है वो जारी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. घर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने समायरा को डांस प्रैक्टिस कराया, क्योंकि कल CCA पीरियड में डांस कंपटीशन है। एंड इसके बाद के आवर में डिनर बनाने वाला टाइम हो जाता है, तो मैं तो डिनर बनाने चली जाती हूँ, लेकिन समायरा अपना मनपसंद काम जो कि है ड्राइंग करना वो प्रैक्टिस करती है। तो ये था समायरा का आफ्टर स्कूल स्टडी रूटीन। आई जस्ट होप आज का ब्लॉग भी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।